कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? आज कॉमन नेम बताने वाले थे। कुछ और देख लो, बेंजोइक एसिड वाला यानी बेंजीन वाला, ठीक है? उसके बाद आते हैं 2 मिनट में तुरंत फिर वापस कॉमन नेम पे। और इसका भी कॉमन नेम, मतलब कॉमन नेम ही तुम्हारा एक तरह से स्टार्ट हो गया है, और उसका एक आध का यूपीएससी भी उसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ठीक है, ठीक है? तो बताओ कैसे कैसे नाम लिखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान में रखना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। आईपीएससी ने भी इसका क्या लिखेंगे, नंबरिंग कास्ट करेंगे, ये रहेगा 1 और ये रहेगा 2, यही रहेगा ना? और दूसरे पे क्या है तुम्हारा, हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, 2-हाइड्रोक्सी लिखेंगे, 2-हाइड्रोक्सी। और उसके बाद तुम्हारा क्या बचा, क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं ना, पूरे को क्या लिखते हैं, बेंजोइक एसिड। और यदि हम बेंजोइक एसिड नहीं लिखें, बिकॉज बेंजोइक एसिड एक्सेप्टेड एज अ आईयूपीएससी नेम, बताए थे ना, तो यदि हम उसको वैसे न लिखे तो फिर उसको हम क्या लिखेंगे बताओ, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आया। यदि हम उसको छोड़े आईयूपीएससी तो क्या बोलता है, बेंजीन, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हालांकि हम लिख सकते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इस पोजीशन पे हम लोग डाल सकते हैं 2-हाइड्रोक्सी
बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड होता है, इंपॉर्टेंट है जी ये, ध्यान में रखना, इसका आगे यूज है, ठीक है। कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड, कॉमन नेम इसका होता है, ठीक है। बताओ इसको क्या लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना, ये वन, और ये क्या है तुम्हारा टू, लेकिन इसको ये क्या है, इस्टर है ना, तो क्या लिखते हैं, अल्काइल वाला पार्ट लिखते हैं ना सबसे पहले, तो कितना पे ये है तुम्हारा, दूसरे पे है ना, बोलो तो क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, टू पे क्या है तुम्हारा कॉमन नेम, सॉरी हाँ, ये प्रीफिक्स में जब जाएगा तो ये पूरा चला जाएगा ना, मिथॉक्सी इथॉक्सी लिखते हैं ना इसका, तो क्या लिखेंगे बोलो, टू पे क्या है तुम्हारा, टू इथॉक्सी, टू इथॉक्सी, और उसके बाद उस वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बोनिल, बोलो टू इथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल बेंजोइक एसिड, और तुम चाहो तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे, नहीं इसका रहने दो, जिसका केवल बता रहे हैं उसका ध्यान में रखना, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो बताएंगे अभी, ठीक है, आगे अपने को जाने दो, ये वाला जो है उससे पहले का पार्ट है, जो अभी स्टार्ट करेंगे कॉमन नेम उससे पहले का पार्ट है। ये बताओ इसका हम लोग क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी क्या लिखेंगे, ये होगा वन और ये होगा टू, यही होगा ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू नाइट्रो, टू नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। और कॉमन नेम क्या लिखेंगे, ऑर्थो पे क्या है बताओ, ओ नाइट्रो, ठीक है, बेंजोइक एसिड, रेड वाला हम लिख रहे हैं कॉमन नेम, ठीक है। इसका बताओ क्या नाम होगा, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा सिक्स, यही होगा ना, क्या लिखेंगे, टू कॉमा सिक्स, क्या लिखेंगे, टू कॉमा सिक्स डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, हाँ, आईयूपीएसी ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, ब्लू पेन का मतलब हो गया तुम्हारा ये, और ये लिखेंगे डाइहाइड्रोक्स, ये तुम्हारा कॉमन नेम लिखेंगे, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओ डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसी प्रकार से इसका बताओ क्या नंबरिंग हम लोग कर सकेंगे, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा सिक्स, क्या लिखेंगे, फोर ब्रोमो लिखेंगे ना, थ्री नाइट्रो और बेंजोइक एसिड, ठीक, समझ में आया। उसके बाद अच्छा, हर एक का कॉमन नेम नहीं होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं हर एक का कॉमन नेम हो, जिसका होता वही पढ़ना है बस, ठीक है, और याद रखो उसी, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका बताओ क्या लिखेंगे नाम हम लोग, इसका नंबरिंग किधर से करें, बोलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या लिखेंगे, फोर ब्रोमो, और उसके बाद क्या लिखेंगे, थ्री थ्री मिथॉक्सी ना, अरे इथर है ये, आर ओ आर, बोलो वही लिखेंगे ना, अरे इथर का क्या लिखते हैं, आर ओ आर में क्या लिखते हैं, मिथॉक्सी इथॉक्सी, फोर मिथॉक्सी, अच्छा हाँ थ्री थ्री मिथॉक्सी, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद अपना कौन सा आ रहा है, हाँ ये वाला पार्ट, तो इसका बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाला,
क्या लिखेंगे बताओ, नंबरिंग किधर से करेंगे? ये हो जाएगा तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, और ये क्या है, इथाइल वाला पार्ट, ठीक है, सॉरी ये पूरा लेंगे ना मेन। अच्छा ये बताओ, इस बार जो है ना, देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में क्या है कि उस समय हम लोग इसको एज अ प्रीफिक्स मान करके गए थे। क्यों प्रीफिक्स लिए थे? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन था? COOH। लेकिन इस बार मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये खुद है, तो इस बार क्या लिखेंगे? इथाइल इसका लिखेंगे, ये वाले पार्ट को लिखेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट को लिखेंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? देख लो, कंफ्यूज नहीं करना। तो फिर इसका हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल, ठीक है, क्या लिखेंगे? इथाइल, मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उस वही पहला रहेगा अपना, ठीक है, और बाहर भी है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3-ब्रोमो, और क्या हो जाएगा? 4-हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखेंगे बेंजीन इस्टर का क्या लिखते हैं? बेंजीन बेंजानोएट, अल्काइल अल्कानोएट था ना, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके जगह बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते हो, याद रखना। ठीक है, इसका बताओ क्या लिखेंगे? इस वाले का नंबरिंग कहां से होगा? ये 1, ये 2, क्या लिखेंगे? 2-हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड, यही होगा ना। और इसका कॉमन नेम याद रखना, सेलिसल्डिहाइड। कॉमन नेम सेलिसल्डिहाइड होगा इसका, ठीक है। और इसका बताओ, 1, 2, 3, 4 बेंजीन 1.4 डाई कार्बल्डिहाइड, यही होगा ना, ठीक है, सॉरी बेंजीन कार्बल्डिहाइड होगा ना, छोट रहा। अच्छा बेंजीन तो लिखे ही है, हाँ ठीक, सही है। इसका बताओ क्या लिखेंगे, बोलो। बेंजीन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्या लिखेंगे? बेंजीन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसका क्या लिखेंगे? बेंजीन 1.4 बस हम लिख दें, अरे समझ जाओगे ना, पूरा वही है, सॉरी 1.3, हाँ 1.3, और ये क्या हो जाएगा? 1.4, तुम पूरा लिखना, ठीक है। और इसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है थैलिक एसिड, ठीक है। और इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? इसका नाम है आइसोथैलिक एसिड। और इसका नाम है तुम्हारा टेरिपथैलिक एसिड, ठीक है, टेरिपथैलिक एसिड, ये इसका नाम। तो ये इस तरीके से है, कॉमन नेम जिसका बताए हैं उसका ध्यान में रखना है। यहां समझ में आया, इथॉक्सी क्यों लिखे, इथाइल क्यों नहीं लिखे? इथाइल यहां क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। यहां क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो एज अ प्रीफिक्स वो आएगा, ठीक है, देख लो। अब हम लोग मूव करेंगे कॉमन नेम की तरफ।
नहीं हुआ था। कौन सा था? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। ये था क्या? नहीं था ना। इसको सैलिस, कॉमन नेम इसका हो जाएगा सैलिसाइल्डिहाइड। और IUPAC टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कॉमन नेम को भी हम दो पार्ट में बांट रहे हैं, ठीक है? पार्ट वन है ये। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडिकल का नाम लिखते हैं और साथ ही साथ सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? सफिक्स लिखते हैं उस फंक्शनल ग्रुप के लिए। बात समझ में आया? ये चीज ध्यान में रखना। तो क्या कैसे लिखेंगे, जैसे OH है, ठीक है, डैश OH हो गया, डैश SH हो गया, ठीक है, डैश तुम्हारा CN हो गया, डैश तुम्हारा NC हो गया, डैश C डबल बॉन्ड O डैश हो गया, डैश, ठीक है, डैश CL BR I हो गया, ठीक है, वो भी जो बच गया फ्लोरीन भी, डैश उसके बाद NH2 डैश O डैश डैश S डैश, ठीक है, ये, और जो बच गए वो हम लोग पार्ट टू में लेंगे, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया ना, एनहाइड्राइड बच गया, एल्डिहाइड बच गया, ठीक है? हाँ, तो ये तुम्हारा है कॉमन, जिसका कॉमन नेम बता रहे हैं उसी का, अपने मन से नहीं, ठीक है, जिसका बता रहे हैं उसी का ध्यान में रखना। इसका हम लोग लिखते हैं सफिक्स एल्कोहल, तो इसका क्या लिखेंगे, थायो एल्कोहल, ठीक है, इसका लिखेंगे साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। और ये सफिक्स जो है वो कॉमन नेम के लिए है, मिला मत देना, ठीक है, ये इसका होगा तुम्हारा आइसो साइनाइड, ठीक है, और ये तुम्हारा कीटोन हो जा रहा है ना, तो इसका हम लोग कीटोन ही लिखते हैं, कीटोन। इसका हम लोग लिखते हैं हैलाइड, ठीक है, इसका हम लोग लिखेंगे एमाइन, ठीक है, इसका लिखेंगे ईथर, तो इसका क्या हो जाएगा, बोलो, थायो ईथर। समझ में आया क्या चल रहा है? और ध्यान में रखना कि जो रेडिकल नेम रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा डैश CH3 को क्या लिखेंगे, मिथाइल, समझ में आ रहा है, डैश CH2CH3 क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है, डैश CH2CH2CH3 क्या लिखेंगे, एन प्रोपाइल, ठीक है, समझ में आ रहा। इसी में यदि हम लोग कर देंगे डैश CH CH3 और ये CH3 क्या हो जाएगा जी, आइसोप्रोपाइल। ध्यान में रखना सेकेंड लास्ट वाले कार्बन में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इसी में यदि हम लोग कर देंगे CH3 और ये CH3 क्या लिखेंगे, इसका टर्ट ब्यूटाइल होगा, ठीक है, देख लो जरा सा। और ये यदि रहे तुम्हारा CH2 डैश और ये ऐसा, तो इस ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजाइल। समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल, क्लियर है, और बताएंगे इसको, ये तुम्हारा रेडिकल नेम हो गए। तो और जितने टाइप के हैं सबका बस बताएंगे तुमको, उसको एक बार याद रखो, और सबका जो
फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स जोड़ के उसका नाम बनाते रहो, मतलब लास्ट में OH लग गया। जैसे यहाँ पे खाली जगह पे है, यहाँ पे खाली जगह है ना, तो यदि यहाँ पे OH लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, बिकॉज सफिक्स इज एल्कोहल। SH लगाओगे आइसोप्रोपाइल थायो एल्कोहल। समझ में आया, बस यही काम करना है। तो बस याद रखना है तुमको कि सफिक्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए ये रेडिकल नेम क्या होते हैं। अब इसका नाम नहीं पता रहेगा तो फिर दिन में तारा देखो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नजर कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये याद ही रखना होगा, और हालांकि पहले डिस्कशन किए हैं तो तुमको ध्यान में होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस सबका करवा चुके हैं। हाँ, कुछ नए चीजों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो ध्यान में रखना जरूरी है। अब जैसे अल्कोहल का यदि हम आ जाएं, ठीक है, देखना जी, अल्कोहल का यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH, नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल अल्कोहल, यही लिखेंगे ना। समझ में आया, मिथाइल CH3 और लास्ट में क्या लिखेंगे, अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल होगा। उसके बाद यदि हम कर दे, मान लेते हैं CH3 CH3 CH CH3 OH, नाम क्या होगा, अरे बोलो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बोलो, भगवान जी मुंह दिए ना, तो केवल खाने के लिए नहीं दिए, ठीक है। और ये देखो CH3 C CH3 CH3 और ये OH क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी में यदि CH2OH और ये बेंजीन ऐसे लगा दिए, नाम क्या हो जाएगा, और नीचे दिए हैं, हाँ, इसको फेनॉल मत बोल देना। समझ में आया, तो अपने पैर पे तुम कुल्हाड़ी नहीं मारोगे, जैसी भी चढ़ाओगे। समझ में आया क्या चल रहा। अब और हम तुमको देते हैं, अच्छा, और देखो एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 और OH, इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्योंकि देखो ना, सेकंड लास्ट वाला पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, क्या सेकंड लास्ट पे, उस साइड से आ जाओ, कार्बन चेन यहां खत्म हो रहा है, उसके क्या है, लास्ट में है ना एक जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो अब तुमको बता देते हैं पूरा रेडिकल जो है, जितना तुमको याद रखना है, अब फिर सब में जोड़ते जाओ इसी तरह, ठीक है, मिटा दें है? इसको क्या बोले हैं, डैश आइसो प्रोपाइल, ठीक है। ये तुम्हारा CH3 CH CH3 ये CH2 डैश, ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। CH3 CH2 CH डैश CH3, बताओ ये क्या होगा, बताओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल। हाँ देखो ना, यहां से निकला है ना, यहाँ पे थोड़ी है, सेकंड लास्ट में कुछ है क्या, किनारे अपोजिट साइड से सेकंड लास्ट पे कुछ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या 2 डिग्री वाले से निकला है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक या फिर एस भी लिखा हुआ आ सकता है, ब्यूटाइल, ठीक है। अगला तुम्हारा CH3 डैश, ये क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल होगा। आगे वाला देखो CH3 CH2 और डैश, ये बताओ, नियो पेंटाइल है ना, 5 कार्बन, नियो स्टार्ट फ्रॉम 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा नियो पेंटाइल,
इधर मिटा दें। अब सब में तुम OH लगाओगे तो वो लिखो और पीछे लिख दो अल्कोहल। समझ में आया? अगला देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 डैश, ये क्या है? विनाइल। ठीक है, CH3 ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश, ये क्या है जी? अलाइल। बता चुके हैं पहले से, अभी तक नया कुछ नहीं बताए हैं। ठीक है, ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2 और ये डैश, ये क्या हो जाएगा? क्रोटाइल। ये आया तुम्हारे पास क्रोटाइल। ठीक है, और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग में एक खाली रहेगा, ये क्या हो जाएगा? फेनाइल बोलते हैं ना, ये भी पहले बताए हैं। अब ऐसा मत बोलना सर यहां यहां खाली रहेगा, तो कहीं भी खाली रहे। हाँ, फेनाइल। ठीक है, और देखना सी एच टू डैश और ये बेंजीन रिंग रहे, अभी तुरंत बताए हैं क्या होता है? अरे बोल, बेंजाइल। ठीक है, ये सी एच और डबल खाली रहता है, ये भी बता चुके हैं। बोलो क्या होगा? बेंजल, उस दिन बताए थे ना। और ये सी में तीन खाली रहेगा, क्या बनेगा? बेंजो। ठीक है, अब देखो ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और डैश। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका? एक्राइल। ठीक है, और ये देखो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और ये डैश, इसका होगा क्रोटोन। देख लो जी, थोड़ा अब इन सब में थोड़ा ये रहना, सावधान रहना। ठीक है, उसके बाद देखो यदि तुम्हारा बेंजीन रिंग सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और डैश ऐसा हो तो इसका नाम होगा प्रीफिक्स, मतलब ये इसका नाम होगा सीनेम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सीनेम। ठीक है, तो बताओ जरा से यहां पे कि इसका नाम क्या होगा जी? सी एच टू बी आर। बोलो, बोल बालक, इसका नाम क्या होगा? अरे भैया ये प्रीफिक्स है, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। अरे बोलो, अरे बेंजाइल इतना दूर का बताए हैं तो बाद में ब्रोमो नहीं होगा, ब्रोमो प्रीफिक्स की तरफ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। ऐसे करोगे तो कैसा चलेगा? NH2 बेंजीन रिंग, बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बता चुके हैं, एनिलीन होता है, कॉमन नेम कल ही बताए हैं, एनिलीन याद रख लो, एकदम बहुत यूज होने वाला है इसका, एनिलीन। ठीक, इसका नाम बताओ क्या होगा, कॉमन नेम? अरे अब तो बोल दो। अरे भैया वहां लिखा हुआ है बोर्ड पे केवल बेंजीन रहेगा, वैसे लाइन रहेगा तो फेनाइल, अब ब्रोमीन लगा हुआ था क्या होगा? फेनाइल ब्रोमाइड। नहीं समझ में आ रहा क्या? और इसको ब्रोमो बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये देखो आगे यदि हम लिखे यहाँ पे बेंजीन रिंग और ये सी एच टू और ये एन एच टू, अब बताओ क्या नाम होगा? बेंजाइल एमाइन। यस, समझ? अरे इतना दूर का बेंजाइल है, खोपड़ी में नहीं धस रहा तुम लोग का? बेंजाइल एमाइन। ठीक है, ये बताओ इसका नाम क्या होगा? फेनॉल। अरे नई खोपड़ी में धस रहा है क्या?
है? अरे हाँ ना, हाँ बोलो। गूंगा से बोलवा लेना आसान है, समझ में आया? चलो जी, नाम बताओ क्या होगा इसका? क्या कहेंगे इसको? एक इसका नाम है, ध्यान में रखना, उसको कहते हैं बेंजोनाइट्राइल। तीन खाली होगा ना उस कार्बन पे, तो क्या नाम रखा? बेंजो। एन रहा तो उसके लिए क्या हो गया? नाइट्राइल। लेकिन यदि हम इस पूरे ग्रुप को साइनाइड मानेंगे तो फिर नाम क्या होगा? फेनाइल साइनाइड। समझ में आया क्या बोले हम? इथर आ जाओ, CH3, CH2, OCH2 और ये CH3। नाम बताओ क्या होगा? ये क्या है? दो ठो है ना, सफिक्स क्या लगेगा? इथर। और दो ठो क्या है? इथाइल। तो क्या लिखेंगे? डाइथाइल इथर। समझ में आया या नहीं आया बोलो क्या होगा? ये पूरा पार्ट क्या है? इस साइड का पार्ट क्या है? इथाइल। और इस साइड का पार्ट क्या है? एलाइल। अरे भाई अभी बताएं, एलाइल अभी पता है ना, इधर ही लिखे थे, सेकंड वाला ऊपर से दूसरा, ये पार्ट एलाइल कहलाएगा, कहलाएगा ना? तो अब ए, अब और कैसे लिखेंगे अल्फाबेटिकल? तो ए पहले आएगा या ई पहले आएगा? तो क्या लिखेंगे? एलाइल और इथाइल इथर। समझ में आया? तो उसके बाद आ जाओ बेंजीन रिंग, ओ बेंजीन रिंग। क्या नाम होगा इसका? दोनों तरफ क्या है? डाई फेनाइल इथर। अरे आसान तो है, कोई बोल नहीं रहे हो तुम लोग। नहीं जा रहा दिमाग में क्या? आ रहा है ना, कुछ बोला करो, मेरा भी थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, आदमी चिल्ला रहा है तो। क्या होगा इसका? इधर क्या है? ये विनाइल। और ये क्या है? एलाइल। तो पहले क्या लिखेंगे? एलाइल विनाइल इथर। समझ में आ रहा क्या चल रहा है? बताओ ये क्या है तुम्हारा? टर्ट ब्यूटाइल। और टर्ट ब्यूटाइल का टी नहीं ऐड करते हैं, तो क्या बचा? ब्यूटाइल और इधर मिथाइल। पहले क्या लिखेंगे? टर्ट ब्यूटाइल और मिथाइल इथर। समझ में आया? बताओ जी क्या लिखेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल दो बार है ना, बोलो क्या लिखेंगे? डाई टर्ट ब्यूटाइल इथर। ठीक है, अब आ जाओ कीटोन में, क्या लिखेंगे?
लिखेंगे इसको CH3 C डबल बॉन्ड, क्या है कीटोन है ना, हाँ क्या लिखेंगे इसका नाम, इसको लिख सकते हैं डाइमिथाइल कीटोन, एक तो नाम हो गया इसका डाइमिथाइल है ना, दोनों साइड मिथाइल और ये वाला को क्या लिखेंगे कीटोन, इज दैट क्लियर। लेकिन एक सबसे फेमस जो नाम है वही तुमको इस्तेमाल करना है, दैट इज कॉल्ड एसीटोन, एसीटोन ठीक है। ये दो कार्बन वाला ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट एसिटाइल वाला पार्ट है ठीक है, एसिटाइल, तो उसके साथ वो तुम्हारा क्या है मतलब कीटोन का ये आ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग एसीटोन। तो ये नाम याद रखना है एसीटोन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइमिथाइल कीटोन से भी ठीक है। और उसके बाद देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग, इसका नाम बताए थे जी कॉमन नेम, बताओ क्या बताए थे बोलो, ये एसिड वाला आया, एसिड 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 एसीटोन लिखे है ना, एसिड पार्ट आया एसीटो, और उधर क्या है बेंजीन, तो लिखे फेनॉन, PHENONE ठीक है। ये भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब दूसरा जो ये वाला तरीका है उससे यदि हम लिखेंगे तो क्या आएगा, मिथाइल फेनाइल कीटोन, ठीक है ये आ जाएगा तुम्हारा। उसके बाद देखो क्या नाम होगा इसका, टर्शरी ब्यूटाइल होगा और मिथाइल, तो पहले क्या लिखेंगे टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल और कीटोन ठीक है। चलो आ जाओ अब तुम्हारा साइनाइड में, तो इसका नाम क्या लिखेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल और साइनाइड है ना। उसी प्रकार से यदि हम जाएंगे CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C, क्या लिखेंगे मिथाइल आइसो साइनाइड ठीक है। देख लो उसी तरीके से आ जाओ हैलाइड वाले में, तो CH3 CH CH3, ये CL क्या लिखेंगे बोलो, हाँ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है ना ठीक है। उसी तरीके से यदि हम जाएं CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CL क्या लिखेंगे, अरे विनाइल क्लोराइड, वो याद रखना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होना होने वाला है। उसी प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये CL क्या लिखेंगे एलाइल क्लोराइड ठीक है। उसी तरीके से यदि हम जाएं देखना जरा सा, ये देखो इसका नाम क्या लिखेंगे फेनाइल क्लोराइड लिखेंगे ना, फेनाइल क्लोराइड ठीक है। उसी तरीके से यदि हम जाएं ये ले ले ऐसा और ये CH और ये CL और CL, बोलो देखना आराम से थोड़ा सा, ये इस कार्बन से दो बॉन्ड खाली हो रहा है ना, इसका नाम रखना ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। अल्काइलिडीन लिखे थे क्या, अल्काइलिडीन लिखे थे ना, इसका नाम बेंजाइलिडीन होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसका नाम क्या होगा बेंजाइलिडीन, इसको रट्टा मार के रखना ठीक है। अगला जहां जहां बोलेंगे थोड़ा ध्यान देना, वहां एकदम ध्यान देना, CH2 CL, ये बताओ क्या होगा, इतना दूर क्या हुआ था बेंजाइल और वो क्या हो जाएगा क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड
ठीक है, इसका बताओ, इसका क्या होगा? आप बताओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और यदि इसी में हम ऐसा चले जाए तो ये क्या हो जाएगा? अरे टर्शरी है, इस कार्बन से देखो ना तीन कार्बन जुड़ा हुआ है। अरे ऐसा ही तो नजर आ रहा है, इस टाइप का। अरे इसको हम इस पार्ट को कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या? आ रहा है ना, और यहाँ पे कोई ग्रुप रहेगा तो देखो तो वही तो है, तो क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, आ जाओ एमाइन भी देख लो। क्या नाम होगा? मिथाइल एमाइन, ठीक है। उसी प्रकार से यदि CH3 CH2 NH CH2 CH3, नाम क्या होगा बोलो? डाइथाइल एमाइन। उसी प्रकार से ये यदि हम ऐसा ले लें, अब बताओ नाम क्या होगा? डाइमिथाइल फेनाइल और एमाइन, डाइमिथाइल फेनाइल एमाइन। अच्छा सॉरी, यहाँ डाइक्लोराइड छूट गया ना, केवल ये वाला पार्ट हम लिखे हैं, बेंजाइलिडिन डाइक्लोराइड, ठीक है। इधर हुआ, बहुत गर्मी है।
तुम और आ गया मैदान उसके सामने आओ। ठीक है चलो मराठी मध्ये सांगू आणि हिंदी मध्ये थोड़ा उदार है चलो। हाँ ये इधर मिटा है चलो। अब जैसे तुम्हारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है और ये तुम्हारा हो जाएगा CH2NH और इधर हो जाएगा CH2 और ये CH3। बताओ इधर क्या होगा एलाइल इधर क्या है इथाइल तो नाम क्या होगा एलाइल इथाइल। नाम समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है। बस एक बार रेडिकल याद होना चाहिए कि किसका नाम क्या है और सफिक्स और कुछ नहीं करना है इसमें बस जोड़ते जाओ ठीक है बस जोड़ते जाओ और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखो यही तुम्हारा CH3 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 और ये रहा NH2 बताओ नाम क्या होगा। हो गया चलो। हाँ नाम क्या होगा टर्ट ब्यूटाइल और एमाइन। उसी प्रकार से यदि हम लोग चले जाए CH3 CH CH3 और ये NH2 और टर्शियरी सेकेंडरी आइसोनियो ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे ना तो वहां बहुत काम आएगा उसका DU का पूरा एप्लीकेशन वहां पे आइसोमेरिज्म में पढ़ने को मिलेगा। समझ में आया इसीलिए आइसो और नियो टर्शियरी और जो है ना ये सेकेंडरी ये सब हम करवा रहे हैं ज्यादा एग्जाम्पल लेकर के सब में हम डाल रहे हैं क्योंकि इसका आगे बहुत एप्लीकेशन है और इसमें इसका नहीं समझ में आएगा ना तो फिर गलत करोगे ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो आइसो प्रोपाइल एमाइन ठीक है। और आगे देखो ये तुम्हारा CH3 CH NH2 CH2 CH3 नाम क्या होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन। अरे सेकेंडरी है ना सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन कहां पे कहीं तुमको नजर आ रहा क्या सेकंड लास्ट पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ CH3 कहीं लगा हुआ है नहीं है और 2 डिग्री कार्बन से वो लगा हुआ है इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन ठीक। अब देखेंगे हम लोग पार्ट 2। पार्ट 1 का जितना था समाप्त हुआ यहाँ पे। पार्ट 2 कॉमन नेम जो है हम लोग वो लिखते हैं एसिड का ठीक है। किसका लिखते हैं एसिड का एसिड डेरिवेटिव का एसिड डेरिवेटिव का ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा इसमें एल्डिहाइड साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का यहाँ पढ़े ना और दूसरे तरीके से भी उसका हम लोग कॉमन नेम लिख सकते हैं अंडरस्टूड। तो दोनों पार्ट में उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लिखेंगे डेरिवेटिव ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा CHO का वहां नहीं लिखे थे ठीक है CN का और NC का डैश NC का इतने का हम लोग इसमें लिखेंगे ठीक। अब इसमें होगा क्या तुम्हारा एक तो हेड ठीक है इसको हम लोग कॉमन नेम जो है वो किस तरीके से लिख रहे हैं हेड और साथ ही साथ हम लोग लिख रहे हैं सफिक्स ठीक है सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप ठीक है सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो क्या क्या होगा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे तुम्हारा यदि COOH आ जाए ठीक है सी
डबल ओ एच आ जाए तो होगा आईसी एसिड, आईसी ओइक एसिड नहीं, अब वो हटा दिए या वो एलिमिनेट हो गया, इज दैट क्लियर। ओइक एसिड होता था ना, ईक एसिड अब केवल कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सीओ होल टू डैश ओ, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, और वहां उसका क्या था, कार्बो क्या था, ओइक एनहाइड्राइड होगा इसका, ईक एनहाइड्राइड, ठीक है, वो हटा देंगे। उसके बाद तुम्हारा हम लोग ले रहे हैं सी डबल ओ आर, क्या था, ईस्टर था ना, ठीक है। अब इसका नाम तुम्हारा क्या लिखे थे, ओएट था, ओएट अल्केन का ही हटा के ओ ए टी, तो वो हटाओ, क्या बचा, ए टी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सी ओ एक्स, क्या है ये, अल्काइल हेलाइड, ठीक है, तो इसमें वाई एल और हेलाइड, ऑयल हेलाइड था, ऑयल हेलाइड, ऑयल हेलाइड था, तो वो हटा दिए, वाई एल हेलाइड बचा। उसके बाद हम लोग ले लेंगे डैश सी ओ एन एच टू, ये क्या है, एमाइड, एमाइड था ना, तो एमाइड का एकदम जस्ट वैसा ही लिखो, एमाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेंगे डैश सी एन, तो इसका हम लोग लेंगे नाइट, अच्छा इसमें तो ओ नहीं था, नाइन ओ नहीं था ना, तो ओ लगा दो, ओ नाइट्राइल, ठीक है। और एनसी का क्या हो जाएगा, ओ आइसो साइना, आइसो नाइट्राइल, और लास्ट में बचता है सी एच ओ, तो इसमें लिख दो एल्डिहाइड। अब ये देखो हेड, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, ठीक है, पांच कार्बन तक, ठीक है। इसका होता है तुम्हारा फॉर्म एफ ओ आर एम, ये प्रिफिक्स होगा तुम्हारा, ठीक है। दो कार्बन के लिए लिखेंगे ए सी, ए सी ई टी, तीन कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे प्रोपोइन, सॉरी प्रोपियोन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद तुम्हारा चार कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूटी वाई आर, तभी चार कार्बन में तुम्हारा एसिड लगा था, तो नाम क्या हो गया था, ब्यूटेरिक एसिड, याद है, ब्यूटेरिक एसिड नाम हो गया था। और पांच कार्बन में होगा वेलर, वेलर, और ये जो नाम आया है ना इसका, वही सोर से आया है, वो क्या बोलते हैं तुम्हारा, अरे वो तीन तरीके से नाम हम लोग लिखे थे ना, पाला वाला कौन था तुम्हारा, अरे एक तो कॉमन नेम हो गया ट्राइवियल, ट्राइवियल सिस्टम से ये आया है, यानी उसका सोर्स वगैरह, ठीक है, या कैसे उसको बनता है, कैसे फर्मेंटेशन होता है, वो सब से उसका नाम आया ये वाला, हाँ पी आर ओ प्रोपियोन, ठीक है। याद है एक कार्बन का तुम 10 में पढ़े हो फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्म अल्डिहाइड, और एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्म ईक एसिड, अंडरस्टूड। तो इतना भी इसका ये याद रखना और ये याद रखना, बस आप जोड़ जोड़ के लिखते जाओ, समझ में आया। देखो अब लिखते हैं हम क्वेश्चन, कार्बन देखना है कितना कार्बन है, सब उसी पे खेल होगा, चलो जी। एक कार्बन का एसिड है, क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन, सॉरी दो कार्बन का एनहाइड्राइड, दो कार्बन का एनहाइड्राइड या एक कार्बन का, एक कार्बन का लेंगे क्योंकि वो बनता है एक कार्बन, दो मोल लेना पड़ता है, उससे वाटर निकालना पड़ता है
है ना, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। किससे बना, फॉर्मिक एसिड से ही बना है ना, एक कार्बन का, अरे आधा बांटते हैं, एक कार्बन का एसिड क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसका बताओ क्या होगा, एक कार्बन का एस्टर है, एक कार्बन एटी लगाएंगे, ठीक है, और क्या लगेगा, फॉर्मेट होगा, और ये वाला कहां जाएगा, बाहर, नाम क्या हो जाएगा, इथाइल फॉर्मेट। इसका नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, अरे फॉर्म पहले से और एल्डिहाइड जोड़ दिए। एक कार्बन का क्या है, एमाइड, एमाइड लिखना, और एक कार्बन का फॉर्मामाइड होगा, क्या, फॉर्मामाइड। उसके बाद बताओ एक कार्बन का हैलाइड, तो एक का हैलाइड का क्या लिखते हैं, ऑयल हैलाइड, फॉर्माइल होलाइड, सॉरी हैलाइड, फॉर्माइल होगा ना, देख लो सब। और दो कार्बन का एसिड क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड, ठीक है। दो कार्बन का साइनाइड, देख लो साइनाइड है, साइनाइड का ओ नाइट्राइल लिखते हैं, लिखते हैं ना, एसिटो नाइट्राइल होगा, एसिटो नाइट्राइल। और इसका क्या हो जाएगा, एसीटल्डिहाइड, देख लो जी, समझ में आ रहा है, वही बस ऐड करना है, मिटा देना इस साइड वाला। एल्डिहाइड तक ना, उसके बाद देखो, आप तो लिख लोगे ना जी, नाम क्या होगा इसका बताओ, एसीटो आइसो नाइट्राइल। इसका बताओ, एसिटिक एसिड से बना है ना, क्या लिखेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका बताओ, दो कार्बन से बना है, एसिटो एमाइड, एसिटामाइड होगा ना। इसका नाम क्या होगा, हाँ एसिटाइल ब्रोमाइड। पूछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप देखो, चलो जी बताओ, क्रोट वाला आ गया, क्रोटोन वाला, क्रोटोन लिख पाए थे ना इतने दूर का, ये देखो क्रोटोन है, हा, और एसिड लग गया, नाम क्या लिखेंगे, क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। इतना दूर क्रोटोन था केवल, आईसी लगा है, ठीक है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ एच, बोलो क्या होगा, एसाइल, एसाइलिक एसिड, तीन कार्बन है जी, सॉरी हाँ एसाइलिक नहीं होगा, एक्राइलिक होगा, एक्राइलिक एसिड, ठीक है, एक्राइल ग्रुप है। उसके बाद ये बेंजीन, और ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ एच, बोलो ये सिनेमा, सिनेम है क्या इतना दूर, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा सिनेमिक एसिड, सिनेम वाला ग्रुप था, है ना, चेक करो सिनेम जहां लिखवाए हैं, जहां रेडिकल बता रहे हैं, है ना, ओ एच लगा तो क्या हो गया, सिनेमिक एसिड, एच लगेगा तो क्या हो जाएगा, सिनेमल्डिहाइड, एच लगेगा तो क्या हो जाएगा, सिनेमल्डिहाइड। ठीक, अब देखो यहां पे ये क्या था तुम्हारा, याद है, ये देखो एक्राइलिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा,
बोलो, एक्रिलडिहाइड होगा ना। उसके बाद देखो तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये H, ये क्या था? क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनल्डिहाइड होगा। उसके बाद देखो, ठीक, हाँ हाँ हाँ, तो ये किससे बना है? एसिटिक एसिड से बना है। इसको बीच से काटो तो ये दो कार्बन बन रहा है ना, तो दो कार्बन कैसे बना है? ये दो कार्बन वाला एसिड से वाटर निकाले हैं। कहाँ थे बता रहे थे? तो कितना एग्जांपल लिए हैं इस पे, दो कार्बन, अरे भैया ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, क्या है? एसिटिक एसिड। और एक और यदि ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, और इसे पानी निकाल दो तो क्या बनेगा? वही तो बनेगा, ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा ना, ये CH3 C डबल O, एक साइड देखो, दूसरा साइड देखो CH3 C डबल O, और ये बीच में एक और जो बच गया, समझे? तो वो बना एसिटिक एसिड से। अरे कुछ मत करो, सिमेट्री का ले आ रहा काट, तो जितना कार्बन है उसका एसिड बनाओ। कितना कार्बन है? दो कार्बन है, तो दो कार्बन का क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। तो एनहाइड्राइड क्या बनेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या हो गया? क्रोटोनल डिहाइड, ठीक है। उसी तरीके से आगे यदि हम जाएंगे तो ये तुम्हारा देखो, ये बेंजीन, ये CH डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, क्या था? ये सिनेम था, तो अब हो जाएगा सिनेमल्डिहाइड होगा। नीचे देखो सिनेमिक एसिड लिखे थे, इसका इसका नाम बताओ क्या होगा? चार कार्बन का एसिड, ब्यूटायरिक एसिड है ना, चार कार्बन का NH2 क्या होगा? ब्यूटायरिक एमाइड, ठीक है। पांच कार्बन का ले लो, या सॉरी चार ही कार्बन का लो, तो इस, ये क्या हो गया? ईस्टर वाला हो गया ना, RC डबल OR, तो क्या लिखते हैं? अल्काइल। अरे बोलो, इधर क्या हो जाएगा? फेनाइल, ठीक है। और इसका कितने कार्बन हो गए? चार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटारेट, ये होगा ATE लगाते हैं ना, वो हटाते हैं और क्या लगाए थे? ATE। अरे अल्काइल अल्कानोएट, ओ ATE होता था लास्ट में अल्काइल के साथ, तो वो हटा के क्या लिखते थे? ATE। अरे वो हटा के ATE लिखते हैं, वही तो लिखे ATE। इसमें मत, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये तुम्हारा CH2 और ये CH3, नाम क्या होगा इसका? ईस्टर ग्रुप है, अरे ईस्टर है ना, देख लो, बोलो नाम क्या होगा? ये O से जुड़ा हुआ पार्ट क्या रहता है? अल्काइल। और ये वाला पार्ट क्या रहता है? ATE वाला है, तो नाम क्या होगा? इथाइल, क्लियर करो। और दो कार्बन का क्या लिखते हैं? एसिट, तो एसिटेट। अरे ATE लिखेंगे ईस्टर के लिए, तो क्या लिखेंगे? इथाइल एसिटेट, एसिड तो सबका एसिटिक एसिड, समझे या नहीं समझे? दो कार्बन का आ रहा है ना, वो डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो इथाइल एसिटेट नाम हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग ले लें, तो इसका क्या लिखेंगे? फेनाइल लिखेंगे। और ये दो कार्बन बचा तो उसका क्या लिखेंगे? फेनाइल एसीटेट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, अब इधर मिटाते हैं थोड़ा,
ठीक है। उसके बाद यदि ये ऐसा हो जाए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू और ये फिर बेंजीन जाए तब इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनाइल होगा क्या इस बार? नहीं, इस बार क्या होगा? बेंजाइल, क्योंकि बेंजीन के साथ सी एच टू ग्रुप लग जाता है तो बेंजाइल हो जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल एसीटेट। ठीक है, उसके बाद इसका बताओ क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? अरे बेंजोइक एसिड होगा, बेंजीन का सी डबल ओ एच है ना, ये सी डबल ओ एच इसका है, बेंजो है, बेंजो आईसी ही लिखे हैं, वो नहीं लिखे हैं, लेकिन जब कार्बन पे तीन कार्बन खाली था तो उसको क्या बोले थे? बेंजो। तो वही तो तीन कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड ओ लगा है और एक तरफ ओएच लगा है, तो बेंजो और इक एसिड, नाम क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या बताए हैं? इसका नाम बता चुके हैं, तीसरा बार बता रहे हैं अभी, एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप, अरे एसिड नहीं है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, अरे इस साइड है ना एसिड, इसका क्या बता दे? एसिटोफेनोन। ये बहुत जान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नाम ऐसे लिखोगे तो मिथाइल फेनाइल कीटोन होता है, लेकिन एक और बताएं क्या? एसिटोफेनोन वीवीआई है ये, और ये वाला क्या बताए थे? दोबारा बता रहे हैं आज के ही क्लास में, इसका क्या है बताओ? डाइफेनाइल कीटोन या फिर बेंजोफेनोन? दोनों तरफ बेंजीन लगा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेंजोफेनोन। ठीक है, ये देखो जी, ये बेंजीन रिंग के ऊपर में सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एल, नाम क्या होगा? अब इस कार्बन का वही तीन तीन तो छोड़ा हुआ है ये, तो बेंजो, और सी एल है तो वाई एल लगता है, वाई एल हैलाइड, हाँ बेंजीन, सी एल क्या क्या होता है? बेंजीन के साथ यदि सी डबल बॉन्ड और सी एल रहेगा तो क्या होता है? जनरली ऑयल हैलाइड होता है, इन कॉमन नेम में हम क्या बोले, ओ को हटाना है, क्या बचा? वाई एल हैलाइड। अरे देखो ना सी ओ एक्स, देखो सी ओ एक्स का क्या है? वाई एल हैलाइड है, क्या है? सी ओ एक्स वाई एल हैलाइड है, और ओ हटा ऑयल ओ वाई एल हैलाइड होता है, ओ हटाए तो क्या बचा? वाई एल हैलाइड। अब वही तो है सी ओ एक्स, तो वाई एल हैलाइड, और बगल में क्या है? बेंजो, तो बेंजोइल, अरे बोल, हाँ थोड़ा पढ़ो। ठीक है, चलो इसका बताओ, इसका भी नाम बता दिए हैं, बेंजोनाइट्राइल, बताए है ना? अरे बोलो, दो नाम बताए थे, एक बताए थे फेनाइल साइनाइड, दोनों कॉमन में है, और एक बेंजो एज कंपेयर टू ये वाला जो तीन खाली है, और सी एन का क्या हो गया, सॉरी एन का क्या हो गया? नाइट्राइल। अरे सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है ना मालिक, तो एन को हटाओ तो तीन बॉन्ड खाली हो गया, सो बेंजो। ठीक है, और उसके बाद एन लगा हुआ तो नाइट्राइल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेंजो नाइट्राइल। इधर मिटा दे, उसके बाद इसका नाम क्या होगा, क्या है? एमाइड है, नाम क्या होगा? बेंजो एमाइड। ठीक है, अब देखना जी, ये बताओ सी डबल ओ एच और ये
C double OH, इसका नाम क्या था? दोनों एक साथ अगल बगल ऑर्थो पोजिशन पे, नाम क्या था? थैलिक एसिड। बोले थैलिक एसिड, अभी बताए हैं थैलिक एसिड, यही है ना। और थैलिक एसिड से यदि पानी निकालोगे, ये देखो इसका OH और इसका H, तो क्या बन जाएगा ये? हाँ देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा? थैलिक एनहाइड्राइड। समझ में आया क्या नाम होगा? थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक, अब इसी का थैलिक एसिड का यदि रिएक्शन देखना जी, थैलिक एसिड का यदि रिएक्शन, थैलिक एसिड है ना, देखना रिएक्शन यदि हम करवा दें एमोनिया के साथ, तो एमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH3 रे भैया, एमोनियम का NH4, तो NH3 को हम लिख सकते हैं H2 और NH, इसमें से बाहर निकालो दो को वाटर, तो क्या ये OH और ये पूरा गायब होगा क्या? देखो तो 2H2O हो गया, H2O में दो हाइड्रोजन और एक वाटर, एक ऑक्सीजन, तो क्या दो ऑक्सीजन और चार हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर हो गया 2H2O, तो आंसर जो बनता है वो बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, एन एच बच गया ना यहाँ का, और सी डबल बॉन्ड ओ और ये डैश, और ये थैलिक एसिड से जो बना वो बना एमाइड है, एमाइड एन एच लग गया, बोलो थैलामाइड, आईसी हटेगा और एमाइड जोड़ो ना, अरे एसिड में आईसी एसिड लगा है तो आईसी एसिड को हटा के एमाइड जोड़ो, क्या नाम हो जाएगा? थैलामाइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में, इसका जबरदस्त एप्लीकेशन है, VVI है क्लास 12 में इसका एप्लीकेशन, थैलामाइड, थैलामाइड, थैलिक एनहाइड्राइड। हो गया, जाला आज बहुत गर्मी, हम ही को लग रहा है कि गर्मी है, गर्मी है ना, सफोकेशन, और रूम में कुछ ज्यादा ही, बाहर थोड़ा सा उसको खोल दो ना, और थोड़ा सा खिड़की भी खोल दो, खोल दो थोड़ा सा, क्रॉस वेंटिलेशन होगा। इस साइड मिटाए, अब पूरा बोर्ड की जरूरत है इसलिए वो भी मिटाना होगा। मिटा दे उधर, अब देखो ओम्स गैप्स याद रहेगा, ओम्स गैप्स, ठीक है। अब देखना इसका मतलब होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इसका मतलब मैलोनिक एसिड, इसका मतलब सक्सेनिक एसिड,
ठीक है, सक्सिनिक एसिड, ठीक, लिखते चलो, ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड, इसका मतलब एडिपिक एसिड, इसका मतलब मैलिक एसिड, और इसका मतलब सुबेरिक एसिड, ठीक, समझ में आया। अब नंबर दे दो, N, N इज इक्वल टू तुम्हारा क्या रहेगा, CH2 यूनिट, N बराबर क्या रहेगा, CH2। अब नंबर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सॉरी 0 से चालू करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जो रहेगा वो तुम्हारा ऐसा रहेगा, C डबल OH, ये CN का होल, CH2 का होल N, और ये रहेगा C डबल OH, इसी पे ये बनेगा, और ये किसका वैल्यू है, N का वैल्यू है, ठीक है, ये किसका वैल्यू है तुम्हारा, N का वैल्यू है, और ये हाँ, ये N का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इज दैट क्लियर। और ये सबका स्ट्रक्चर किस पे बनेगा, इस पे बनेगा, तो N इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, होगा, और ये क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड, इसका नाम क्या, सक्सेनिक एसिड का क्या हो जाएगा, CH2 का होल 2 कर दें, हाँ, यानी एक और CH2 बीच में होगा, इसका क्या हो जाएगा, CH2 का होल 3 C डबल OH, इसका नाम क्या होगा, C डबल OH, CH2 का होल 4 C डबल OH, इसका क्या होगा, C डबल OH, ये CH2 का होल 5 C डबल OH, ये क्या होगा, C डबल OH, CH2 का, ठीक है, होल 6 C डबल OH, अंडरस्टूड, क्लियर आ है, ठीक। अब इसका यदि IUPAC थोड़ा आ जाए, हम IUPAC में, तो इसका नाम, दो कार्बन का क्या नाम होगा, इथाइल, बोलो, इथाइल डाइओइक एसिड, वही होगा ना, इथाइल डाइओइक एसिड, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल डाइओइक एसिड, सॉरी प्रोपाइल नहीं होगा ना, वही तो हम भी सोचे, प्रीफिक्स थोड़ी जा रहे हैं हम लोग, इथेन, इथेन डाइओइक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड। अब इसका सब क्या लिख लोगे, बोलो, ठीक, सल्फोनिक भी है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जिसका यूज है वही, कैसे हुआ, समझ में आया ये पूरा सीरीज, ओम्स गैप्स, हो गया, मिटा दे, आधा मिटा है, आधा, देखो इसका नाम बताए थे ना, इसको क्या बोलते हैं,
ओजाइलिन बताए थे हाँ? इसको क्या बोले थे? अच्छा एमी भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको क्या बोले थे? हाँ एम जाइलिन। और इसी को यदि ऐसे कर दे एमी तो क्या हो गया था? पी जाइलिन। अब इसी में देखना OH और ये तुम्हारा OH रहे तो इसको बोलते हैं क्रिसोल, याद रखना एकदम। और ये तुम्हारा आ जाए OH यहाँ पे और OH यहाँ पे, इसको कहेंगे M क्रिसोल। और इसको यदि यहाँ पे OH और ये यहाँ पे आ जाए तो क्या कहेंगे बोलो? P क्रिसोल, ठीक है। और ये देखना जी CH3, इसका भी नाम बता चुके हैं, बताओ इसका नाम क्या है? मेसिटाइलिन, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अब इसी में देखना, सॉरी ये गलत हुआ है, यहां सब जगह CH3 डालो, अब ठीक है, ओ क्रिसोल, एम क्रिसोल और पी क्रिसोल, ठीक है। अब देखना यहां पे यदि तुम्हारा OH, अब ये वाला आ जाओ, एक रहेगा यहां पे, एक रहेगा तुम्हारा यहां पे और एक रहेगा तुम्हारा यहां पे, इसको लिखना CRQ, ऐसे याद रखना, ठीक है। पहला को कहते हैं कैटेहॉल, ठीक है कैटेहॉल, दूसरा रे सॉर सिनॉल, ठीक है, और तीसरा क्यूनॉल, इसलिए आर सी आर क्यू से याद रखो इसको, ठीक है। और ये एक, इसका भी पहले बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्विनोन, क्विनोन है ये, क्योंकि डबल बॉन्डो है ना, कीटोन वाला ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्विनोन। और ये ऑयल एल्कोहल है तो क्विनॉल, ठीक है। और इसको ओ सी एच थ्री, ये बेंजीन रिंग, इसको कहते हैं एनिसॉल, जैसे एनिलीन था ना वैसे एनिसॉल याद रखो। और इसको ये बेंजीन रिंग, इसको कहते हैं फेनेटॉल, याद ही रखना है ये वाला जो इस तरीके का नाम है ना अटपटा सा, मेसिटाइलिन, एम ई एस आई सी एच ओ एल, और ये इस टाइप का नाम याद ही रखना है, इसका कोई लिखने का खास तरीका नहीं है, ठीक है। और देखो इस साइड मिटा दे ऊपर वाला, इधर ठीक है, ये देखो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन बोलते हैं ना, एंथ्रासीन, ठीक है। इसका इसको ऐसे बांटो बीच से तो चार भाग में बटता है बराबर बराबर, इस वाले पोजीशन को कहते हैं अल्फा और इसको कहते हैं बीटा, ऐसे नाम क्या है? एंथ्रासीन, समझ में आया? और सॉरी ये गलत जा रहा है, ये तुम्हारा नेप्थलीन है, ठीक है। और ये तीन जब लगाओगे ना एक साथ तो ये क्या होगा? एंथ्रासीन। और इसी में यदि तुम दो ऐसे लगाओगे और एक ऐसे ले जाओगे तो इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसका नाम है तुम्हारा फेनेप्थलीन, ठीक है। ठीक, और देखना ये नेप्थलीन पे इस पोजीशन पे OH लगाओगे तो अल्फा नेप्थॉल कहते हैं, समझ में आया कैसे? अल्फा नाम लिखे ना वहां पे इसीलिए, ठीक है। इस पोजीशन पे लगा दो या फिर इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे, क्योंकि सब जगह से वहां से वो वाला पोजीशन अल्फा होगा। और जो बच गया यानी कि ये वाला,
यदि यहां लगा हुआ रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, बीटा नेप्थॉल। चलो जी, इस प्रकार से नोमेनक्लेचर समापन।